पंडोह कैचमेंट एरिया में लगातार बढ़ रही गर्मी और प्री मॉनसून की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लाठी डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। पंडोह डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण यहां भी गेट खोले जा सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हिदायत दी गई है कि ब्यास नदी के किनारे ना जाएं। उपायुक्त मंडी, एसडीएम मंडी व फ्लड कंट्रोल विभाग मंडी को सूचित कर दिया गया है। बीबीएमबी पंडोह के कार्यकारी अभियंता राजेश हांडा ने बताया कि पंडोह डैम का जलस्तर इस समय 2938 फुट है, जिसे 2934 फुट पर सामान्य अवस्था में ले आएंगे। इसी कारण पंडोह डैम से पानी छोड़ना पड़ेगा। अभी डैम का एक ही गेट 75 सेंटीमीटर खोलेंगे। बीबीएमबी प्रशासन द्वारा लगातार सुबह से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। विभाग की एक गाड़ी सुबह से पंडोह के आसपास के इलाकों में लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को सूचित कर रही है। कि पंडोह बांध का जलस्तर बढ़ने के कारण और ज्यादा पानी छोड़ा जा सकता है। जितना ब्यास नदी के किनारे न जाए, क्योंकि जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। दो कैचमेंट एरिया में लगातार बढ़ रही गर्मी एवं प्री मानसून वर्षा की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लाठी डैम के गेट खुल गए हैं। अतः पंडोह डैम का जलस्तर बढ़ने से पंडोह डैम के गेट आज कभी भी खुल सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह हिदायत दी जाती है कि कृपया ब्यास नदी के किनारे मत जाएं। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसडीएम मंडी एवं फ्लड कंट्रोल रूम मंडी को भी सूचित कर दिया गया है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट।